सर हम पीएचडी करने के बाद कितना अर्न कर सकते हैं? देखिए आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है कि आप पीएचडी करने के बाद कितना अर्न कर सकते हैं, यानी हमारी आमदनी में कैसे इजाफा हो सकता है, हम माशी तौर पर कैसे या खुशहाल हो सकते हैं, दौलतमंद हो सकते हैं। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा सुपर डिग्री है, और इसमें सुपर डिग्री होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो है पैसा भी कमा सके। पैसा कमाने के लिए आमतौर पर लोग नाजायज़ ज़रा इस्तेमाल करते हैं, पीएचडी स्टूडेंट घेर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बताते हैं, पैसे लेते हैं, हज़ारों रुपये से लाखों रुपये के थीसिस तैयार करते हैं, तो करप्शन तो मौजूद है हर जगह, हमारे यहाँ भी मौजूद है, पैसे तो इस तरह बहुत कमा रहे हैं, गाड़ियाँ भी खरीदे हैं नई नई, लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा लिए उनको, लेकिन अगर आप जायज़ तरीके से देखें तो मैं समझता हूँ कि आपका अगर परमानेंट जॉब पर है तो जब भी आपको फ़ायदा है, पीएचडी अलाउंस भी है, फिर आप बाहर भी जा सकते हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी आपको वो करनी है, लेकिन अगर आप जॉब ही टेम्परेरी है या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो उसमें आपको कोई एडवांटेज नहीं, और अगर आपके पास कोई सिफारिश नहीं है पाकिस्तान में तो हमारे मुझे बदकिस्मत ही है या ज़राए कोई नहीं है आपके पास, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है कि आपको अपना गुजारा करने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि अर्निंग डिपेंड करती है और आपकी किस्मत पर, कोई अच्छा इदारा आपको दिख रहा है, आपकी सलाहित है तो वो मायूसी तौर पर आपको फ़ायदा दे सकती है, लेकिन आमतौर पर ऐसा है कि सही तरीके से और जो हालात में बल्कि सिफारिश ज़्यादा है ना अपना है ग्रुपिंग है उस लिहाज से काफ़ी मुश्किल है आपको मायूसी तौर पर सिखाऊँ। स्टूडेंट्स पीएचडी जो है एक बड़ा सुप्रीम यानी एक अपर क्लास जो है, वो कहा जाता है कि पीएचडी के बाद किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती आपको, पीएचडी के बाद एक पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री आपको चाहिए होती है, लेकिन वो उसकी ऐसे देख 2.5 थर्ड सेमेस्टर बीएड। और आज का मेरा सर से सवाल है, जैसे कि सर ने बोला कि पीएचडी करके बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फैसिलिटीज़ वो नहीं मिल पाती, यानी कि जॉब्स भी नहीं मिल पाती, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर इससे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम किसी दूसरी फील्ड पे स्विच करके अपने आप को यानी एडवांटेज तो यानी बेनिफिट्स तो ले सकते, जैसे जॉब्स मिल सकें। आप जैसे सर ने बोला था कि अब श्योर नहीं है कि यहाँ पर आपको जॉब्स मिलेंगी या नहीं, सर ने जैसे कि बोला कि मैंने पीएचडी करी लेकिन मेरे पास सिर्फ बाइक है, कोई इतना खास यानी गाड़ी वगैरह नहीं है, तो इससे तो बेहतर नहीं है कि हम कोई दूसरी फील्ड को स्विच कर सकें जिससे हमें फ़ायदा भी हो, हम अपने आप को मेंटली स्टेबल भी कर सकें, हम फाइनेंशियल स्टेबल भी हो सकें। तो मैं सर से पूछना चाहूँगी कि आपकी क्या राय होगी। देखिए आपका इतना खूबसूरत सवाल है और आप लोग इतने अच्छे सवाल कर रहे हैं, मुझे बड़ा खुशी है, ये बात पर खुशी है कि आप लोगों के जहनों में ऐसे सवाल हैं। ये जी से पहले आपने कहा कि अगर स्कोप नहीं है, और आपने जैसे मुझे इन्होंने बताया कि भाई मेरे पास मोटरसाइकिल, मेरे पास अलग सिवा किसी का कोई सहारा नहीं है, तो मैं कैसे जो है फिर मैं क्यों इस फील्ड में आऊँ? उन्होंने कहा फिर मैं किसी और फील्ड में ना चला जाऊँ, पीएचडी के बाद भी जब धक्के गाने जॉब नहीं मिली। ठीक है, बेशक मैं आपसे ये कहूँगा कि इतना आसान नहीं है पीएचडी के बाद भी जॉब हासिल करना, पीएचडी के बाद भी लोग बेरोजगार हैं, धक्के खा रहे हैं, ये बड़ी यानी बदकिस्मत ही हमारे लिए। और मैं तो कहता हूँ सदर वजीर आजम और हमारे अपर जो क्लासेस जो क्लास के लोग हैं वो देखना चाहिए उनको कि हो क्या रहा है हमारे माशरे में। मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, यूनिवर्सिटी में जो टीचर पढ़ा रहे हैं आप उनको अलग एक कमेटी बनाए, उनके ज़रा टेस्ट लेके देखें, उनको क्लास में खड़ा करके उनकी इवेल्यूएशन कर लें, फिर आपको खुद पता लग जाएगा कर क्या रहे हैं। और जो टैलेंटेड है जो पढ़ा सकते हैं जो दुनिया में जिनके आए, वो बेचारे ये नहीं समझ लें कि उनकी हैसियत ये है कि बेचारों को सैलरी मिल जाए, वो हैंड टू माउथ है, उनके बाद बाइक भी हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो हकीकत है, ज़माने की हकीकत है, और बहुत से लोग पीएचडी को फिर बात कह के लिए यार है ही नहीं इसमें, यार हमने बस वक्त ज़ाया करा, छोड़ दें। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है, लेकिन प्राइवेट में आपको पता है कि कितना टाइम और पैसा भी आपको कम मिलता है, फिर टाइम फैक्टर है वहाँ पर और बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, तो ज़्यादातर कहीं ना कहीं रोज़गार तो हासिल करना है इंसान को, ज़िंदगी तो गुजार है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर कुछ नहीं, तो पहले ही लोग हैं मज़े कर रहे हैं, सारे के सारे मज़े परमानेंट लोगों को जो अपने अपने लोगों को करा हुआ है माजहब के साथ, मैक्सिमम की बात करो हम जगह की बात की, जो लोग कर रहे हैं ज़्यादातर अपने अपने लोगों को देते हैं और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ाना तो स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, यूनिवर्सिटी को पढ़ाते हैं, ऐसे चीज़ें बता सकता हूँ जो स्कूलों में भी शायद ना पढ़ा सके, एक क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और जो पढ़ा सकते हैं उनको बेचारों के पास ये हालत ये है कि उनको सैलरी मिल जाए, बाइक ले लें, बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन डिसाइडेड होने की जरूरत नहीं, आपको पीएचडी करनी है, हो सकता आने वाला वक्त बहुत अच्छा।
हम दुआ कर सकते हैं हमारे आने वाले हमारे मुल्क के लिए, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। देखिए बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि सबसे मुश्किल मरहला या पार्ट कौन सा होता है पीएचडी, तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले जो चीज होती है जो बेस करती है होती है वो है आपकी आपका टॉपिक कैसा है। क्या आपका टॉपिक ऐसा है कि आपके रिसर्च जो है बड़ा यूजफुल रहेगी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या माशरे के लिए फायदेमंद रहेगी, उन इदारों के लिए जो कि किसी मसाइल से दोचार है और उसका हल चाहते हैं, ये आपके टॉपिक पर बड़ा डिपेंड करता है। टॉपिक अच्छा लिया आपका सुपरवाइजर बहुत अच्छा होना चाहिए जो आपको टाइम दे सके, क्योंकि आमतौर पर जो हमारे जो सुपरवाइजर हैं और टाइम ही नहीं पाते, स्टूडेंट आ रहा है वो चक्कर लगा रहा है फिर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छे और मुस्तनद सुपरवाइजर हैं वो आपका काम जल्दी भी करा देंगे, और बाज लोग ऐसा भी होता है कि वो बिला वजह बच्चे स्टूडेंट का टाइम ज़ाया कर देते हैं और फिल करते हैं उनका टाइम, जिसकी वजह से माजी तौर पर जो है स्टूडेंट में बोझ आता है और जहनी तौर पर भी इस काबिल नहीं रहता कि वो मजीद अच्छा वर्क कर सके। तो ये आपकी ऊपर है कि आप अच्छे सुपरवाइजर को मुतखब करें। और टॉपिक सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक आपने कह रहा सबसे मुश्किल मरहला, सबसे मुश्किल मरहला हर स्टेप जो है वो मुश्किल ही होता है। डेटा कलेक्शन है, डेटा कलेक्शन में बड़ा आपको ख्याल रखना पड़ता है, सैम्पलिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के बाद आपकी सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग के बाद आपको पता लगता है कि हमें कहाँ का जो है कौन सा टूल इस्तेमाल करते थे स्टेट्स के, हमें डेटा कलेक्ट करना, तो डेटा एनालिसिस उसके बाद हमारा रिजल्ट हमारे टेबल के मुताबिक कि हमारा रिजल्ट क्या कहता है, ग्राफिकल कंडीशन क्या है, फिर सजेशन हमारी क्या है, तो सारे ही मरहले मुश्किल है। वो मैंने शुरू कर दी थी फिर आप वो ठीक है बोल दिया था। सवाल बहुत अच्छा है और जानना भी चाहिए। आमतौर पर एक साल का कोर्स वर्क होता है, दो साल बाद थीसिस जमा, तो तीन साल में भी लोग कर लेते हैं, लेकिन चार साल से पांच साल भी लग जाते हैं एक्सटेंशन मिलने पे, तो आपके डिपेंड करता है। और पीएचडी का और आपने इसमें क्या पूछा, आपका किस तरह इशारा है, मिनिमम ईयर्स कितने हो सकते हैं? मिनिमम जो है वो तीन साल है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि पॉलिसी चेंज भी होती रहती है, मेरी जहाँ तक नॉलेज है वो तीन साल है, मैंने जिस हिसाब से करा अभी भी वही है, लेकिन एचएससी की पॉलिसी में तब्दीली आती रहती है। लेकिन ये है कि आप कोशिश करें कि कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद काम में गैप लाए, काम कंटिन्यू जाने, सुपरवाइजर से कॉन्टेक्ट करो, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, हमारे पांच चैप्टर होते हैं, चैप्टर अगर लिखने का है तो आप जल्द से जल्द वो आपके ऊपर सुपरवाइजर से गाइडलाइन लें, बाकी जो मेजरमेंट है और वैल्यूएशन जो आपके उसके बाद आपके जो टूल्स है और आपके जो जितना स्टैटिस्टिक्स वर्क है वो फिर आप आए सकते हैं एक्सपर्ट की मदद से करते हैं, चाहे सुपरवाइजर की मदद से, बहुत आसान इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन कंसंट्रेशन बहुत है। पीएचडी जो है आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि फ्यूचर क्या है उसका, पीएचडी का फ्यूचर क्या है, पीएचडी जो है सक्सेस के दरवाजे कैसे खोलता है या खोलती है डिग्री, अगर आप जो डिग्री रिमोनी से तो जाहिर बात है आप सोचेंगे खोलती कैसे, पीएचडी डिग्री देखे बड़ी डिग्री है मैंने कहा है, लेकिन जैसे हमारा एटमोसफेयर पाकिस्तान में है उसमें कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको अच्छी पोजिशन मिल जाए, पोस्ट मिल जाए, और ये आपकी किस्मत पे है, लेकिन अगर आप इस सर्विस होते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है, उसके बाद आप बाहर भी जा सकते हैं बहुत लोग के लिए, तो सारे जो इन सर्विसेज जो परमानेंट लोग हैं वही सारे इंजॉय कर रहे हैं मज़े होता है, जो लोग जॉब में आना चाहे नहीं आ पा रहे हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है या उनके पास ज़रा ही नहीं है, तो बड़ी माजर के तहत पाकिस्तान में तो सोर्स नहीं है, तो आप गालबन इन्हीं नहीं हो सकते किसी भी ऐसी अच्छी जगह, पहले से फिट होता है सारा, तो मैं नहीं समझता कि, लेकिन अफादियत अपनी जगह पूरी जिंदगी, मैं यही कहूंगा कि आखिरी एज तक आपको पीएचडी का हुआ है, तो इससे ज्यादा स्कोप बड़ा क्या होगा, लेकिन पीएचडी के बाद सिक्योर हो जाता है।